और रतलाम से जहां पर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव सियासी हलचल वहां तेज हो गई है और बीच रतलाम में भाजपा के दीप मिलन समारोह में गुटबाजी की घटना सामने नजर भी आई। इस दीप मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी सहित पार्टी के वरिष्ठ सक्रिय पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें भाजपा के वे कार्यकर्ता भी शामिल हुए जो कि बीते नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए थे, लेकिन इस दीप मिलन समारोह में पार्टी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निगम अध्यक्ष सहित महापौर शामिल नहीं हुए। वहीं शहर में बीजेपी विधायक चेतन कश्यप भी समारोह में शिरकत उन्होंने नहीं की और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के शामिल नहीं होने पर कहा कि यह पार्टी या किसी नेता का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का आयोजन था। इसकी पूरी तैयारी रूपरेखा कार्यकर्ताओं ने तय की और सभी को निमंत्रण भी दिया गया था। जो नहीं आए वो भविष्य में जरूर आएंगे। अब इस पर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कलह चरम सीमा पर है। सकलेचा ने कहा है कि एक गुट जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाना चाहता है और दूसरी तरफ स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं जो भाजपा की अलग पहचान बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने कहा है कि अब विधायक को आने वाले चुनाव में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और भाजपा बड़ी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। दिवाली महोत्सव हो, सब मिले और वर्षों से जो नहीं मिल पाए हैं वो सब मिले और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का संकल्प लिए, ये सबकी इच्छा थी। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया। सभी को निमंत्रण दिया गया, जो आए उनका स्वागत है, नहीं आए वो भी समझ जाएंगे कि ये कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए। निमंत्रण सभी को गया होगा ऐसा है और पदाधिकारियों का, विधायक जी का, सारे मंडल अध्यक्ष का उसमें नहीं आना, यह दर्शाता है कि ये सारे लोग किसी एक व्यक्ति के गुलाम बने हुए हैं। आखिर पार्टी का मामला है, दो बड़े हस्तियों का सम्मान का मामला है और ऐसे को बायकॉट करो तो इसका मतलब इनडायरेक्ट आप मोदी जी और शिवराज का बायकॉट कर